हेलो फ्रेंड्स, सुमन की किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं दाल ढोकली। मैंने एक कटोरी तुअर की दाल ली है, इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। आप एक कुकर लिया है, उसमें हम दाल को डालेंगे। अब इसमें हम 2 से 3 ग्लास पानी डालेंगे। हम गैस को ऑन करेंगे, कुकर को गैस पर रखेंगे, एक चम्मच हल्दी डालेंगे, एक चम्मच नमक डालेंगे, थोड़ी सी हींग डालेंगे, कुकर को बंद कर देंगे, 3 से 4 सीटी लगाएंगे। दाल पकने तक हम ढोकली का आटा तैयार कर लेंगे। एक कटोरी आटा लिया था, एक चम्मच इसमें हींग डालेंगे, एक चम्मच हल्दी डालेंगे, एक चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, एक चम्मच अजवाइन डालेंगे और एक चम्मच हम नमक डालेंगे, थोड़ा सा इसमें मिर्ची पाउडर डालेंगे, 2 चम्मच इसमें हम रिफाइंड ऑयल डालेंगे। अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। तो रोटी की तरह भूनेंगे। ढोकली का आटा भून के तैयार हो गया है। इसको 5 से 6 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। हम गैस को ऑफ कर देंगे। गैस को ऑफ कर दिया है, अब हम सीटी निकलने तक वेट करेंगे। मैंने खोल दिया, दाल मेरी बनके तैयार हो गई है ढोकली। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ढोकली की दाल में हम तड़का लगाएंगे। एक बर्तन रख दिया है मैंने, और हम उसमें तेल डालेंगे। एक चम्मच हम जीरा डालेंगे, जीरा अच्छे से भून के अब हम इसमें तेजपत्ता डालेंगे, 2-3 कलियां लहसुन की डालेंगे, थोड़ी सी हम राई डालेंगे। कटा हुआ प्याज डालेंगे, आधा चम्मच हम हींग डालेंगे, अच्छे से फ्राई होने देंगे। हो गया 8 से 10 हम कड़ी पत्ता डालेंगे।
तीन से चार हरी मिर्ची डालेंगे। हम टमाटर डालेंगे, अच्छे से सभी को फ्राई करेंगे। अब हम इसमें मसाले डालेंगे, एक चम्मच हल्दी, एक चम्मच मिर्ची, एक चम्मच धनिया पाउडर, इसे भी सभी को मिक्स कर लेंगे। एक चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे, इसमें अमचूर पाउडर डालेंगे, दाल में एक गिलास पानी ऐड करेंगे, दाल का तड़का बनके तैयार हो गया है। गरम मसाला डालेंगे और गैस को कम कर देंगे। अब हम ढोकली बेलेंगे और हम ढोकली बेलना स्टार्ट करेंगे। हम रोटी की जैसे बेल लेंगे इसको, ना ज्यादा मोटा बेलेंगे ना ज्यादा पतला बेलेंगे। किसी भी आकार में काट सकते हैं। इसी तरह देंगे। सभी कट करके दाल में डाल देंगे। ये मैंने डाल दी है दाल में। सारे ढोकले बनके तैयार हो गए हैं। हम दाल को ढक देंगे अच्छे से 5 मिनट के लिए। हमारी दाल ढोकली बनके तैयार हो गई है। अब हम इसमें धनिया ऐड करेंगे, कड़ी पत्ता। देखिए कितनी अच्छी बनी हुई मेरी दाल ढोकली, ये देखिए। अब हम एक बॉल में इसे निकाल लेंगे। मैंने एक बॉल में निकाल लिया, देखिए कितनी अच्छी है, मीठी खट्टी कड़वी, देखिए कितनी अच्छी लग रही है। अब मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए।